असम एक्सप्रेस वन गाइस, फिर से वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग करने वाले हैं जर्नी 12367 भागलपुर टू आनंद विहार एक्सप्रेस में। तो हमारी ट्रेन आज पटना जंक्शन में 20 मिनट लेट आई है, तो अभी हम इसमें बोर्ड करने वाले हैं। पटना जंक्शन में प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे आके खड़ी हुई है। चलिए मिलते हैं आपसे ट्रेन के अंदर अपने कंपार्टमेंट। तो गाइस, हम लोग जा रहे हैं अपनी ट्रेन अपने कोच की तरफ, और हमारी कोच काफ़ी पीछे रह गई है B1। तो B1 में जा रहे हैं, B1 में हमारा कोच है। तो ये है 62 हमारा कोच, ये ऊपर वाला, ये हमारा कोच। तो चलिए मिलते हैं ट्रेन डिपार्चर में। तो हमारी ट्रेन खुल चुकी है पटना जंक्शन से। गाइस, इस वक्त हम लोग दानापुर क्रॉस करने वाले हैं। हमारी ट्रेन 130 की स्पीड से चली जा रही है, बहुत ही तेजी के साथ। ये पनीर पकौड़े ठीक है। अभी हम लोग कुछ ही सेकंड में दानापुर स्किप करने वाले हैं। ये है दानापुर रेलवे स्टेशन, और हम लोग दानापुर से क्रॉस कर रहे हैं बहुत ही तेजी से। और हमारे आगे आगे ब्रह्मपुत्र मेल जा रही है, और एक और ट्रेन अकाल तख्त एक्सप्रेस। ये है दानापुर से हम लोग 3 नंबर प्लेटफॉर्म से निकल रहे हैं। हमारी ट्रेन 12367 विक्रमशिला एक्सप्रेस दानापुर रेलवे स्टेशन को क्रॉस कर चुकी है। तो हाय गाइस, अभी हम लोग यहाँ से कोइलवर नदी ओवर ब्रिज क्रॉस कर रहे हैं, ठीक आरा जंक्शन से पहले। तो अब हम लोग कुछ ही देर में, कुछ ही मिनटों में आरा बस पहुँचने ही वाले हैं। हमारी ट्रेन कंटिन्यूसली पटना से खुलने के बाद 130 की रफ्तार से चल रही है, और हमारे आगे आगे जा रही है अकाल तख्त एक्सप्रेस और ब्रह्मपुत्र मेल आज जो 4 घंटे लेट चल रही है। तो चलिए मिलते हैं आरा जंक्शन में आपसे। गाइस, पहुंच चुके हैं हम लोग आरा जंक्शन अपने टाइम से आधे घंटे लेट, और हमारी ट्रेन 12367 आरा जंक्शन पहुंच चुकी है। यहां से एक ही ट्रेन खुलती है सासाराम के लिए बस, जो यहां से बन के चलती है। बाकी यहां पर ट्रेनों की, बहुत सारी ट्रेनों की हॉल्ट है। पहले इस ट्रेन का यहाँ पे हॉल्ट नहीं था, लेकिन अब यहाँ पे हॉल्ट हो गया। तो हमारी ट्रेन 12367 विक्रमशिला एक्सप्रेस निकल चुकी है आरा से। यहाँ से निकलने के बाद हम अब लगेंगे सीधे बक्सर में, और भीड़ देख सकते हैं यहाँ पे कितना ज़्यादा है। तो यही है आरा जंक्शन। तो चलिए मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट स्टॉपेज पे बक्सर में।
तेज बढ़ने में लगता है कि हो जाएगा सही बात, गलत सही हो जाएगा। तो पहुंच चुके हैं हम लोग बक्सर और हमारी ट्रेन 12367 विक्रमशिला एक्सप्रेस बक्सर जंक्शन पहुंच चुकी है अपने टाइम से 20 मिनट लेट। वन टू थ्री सिक्स सेवन विक्रमशिला एक्सप्रेस भागलपुर से चलने के बाद पटना, आरा, बक्सर और अब पंडित दीनदयाल उपाध्याय पहुंच चुकी है और अपने टाइम से, जब पटना आई थी ट्रेन हमारी 40 मिनट लेट थी और यहाँ पहुँचते हम अपने टाइम से हो गए हैं। कौन जंक्शन है? तो 12367 हमारी विक्रमशिला एक्सप्रेस पहुँच चुकी है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन 20:24 मीन्स 8:24 मिनट पे। तो गाइज हम निकल चुके हैं मोगलसराय से 12367, हमारी ट्रेन मोगलसराय से निकल चुकी है और अब हम आपसे मिलते हैं अपने नेक्स्ट स्टॉप कानपुर सेंट्रल। तो वो जो रात में आएगा, अगर कवर हो पाएगा तो हम कवर कर पाएंगे, अगर वरना फिर नहीं कर पाएंगे क्योंकि रात 1-2 बजे हम लोग कानपुर सेंट्रल पहुंचेंगे। तो फिलहाल तो हम लोग मोगलसराय से निकल चुके हैं, तो चलिए जहां अब हो सकेगा वहां पे कवर करेंगे। गाइस देख सकते हैं ट्रेन में भीड़ बहुत ज़्यादा है और ये कंपार्टमेंट देख सकते हैं आप, बहुत ही ज़्यादा भीड़ है आज 12367 विक्रमशिला एक्सप्रेस में। तो अभी हम जा रहे हैं डिनर करने के लिए, तो डिनर की तैयारी करने जा रहे हैं, चलिए मिलते हैं डिनर में आपसे। तो गाइस देखिए हम लेके आए डिनर घर से और ये हमने इसमें में अभी देखते हैं क्या मिला है घर से। और ये एक और पैकेट है, दो देखते हैं और क्या है, और ये तो चलिए ओपन करते हैं देखते हैं क्या क्या मिला है। और ये हमने ये ट्रेन पे मिला है 50 रुपीज़ में दिया है जबकि ये 40 रुपीज़ में मिलता है ये विक्रमशिला में। और ये दही हमने लिया है, ये भी मुझे 35 रुपीज़ में दिया गया है जो कि, और ये सबसे मेन बात ये रेल नीर का जो बोतल है ये 20 रुपीज़ में मिला है जो कि ये 15 रुपीज़ में मिलता है। तो आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में कि क्यों इतना महंगा मिलता है इसमें, जबकि मैंने पूछा भी स्टाफ से तो उसने कहा कि इसी रेट में मिलता है। चलिए शुरू करते हैं खोलना, खाने में क्या है। खोलिए, इसमें सैलेड है और इस वाले बॉक्स में है चिकन फ्राई। और ये वाला ओपन कीजिए सर, और इसमें मिला है पराठा, तो ये आलू का पराठा है, साथ में ये दही खाएंगे हम लोग, ये चिकन फ्राई है, ये सैलेड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और साथ में कोल्ड ड्रिंक भी है, स्टार्ट करते हैं डिनर। तो गाइस हम लोग खाना कंप्लीट कर चुके हैं लेकिन देखो ये पराठा बच गया है और ये चिकन फ्राई भी बच गया क्योंकि बहुत ज़्यादा था। थैंक्स फॉर कमेंट हुमैदुर रहमान, ऑलवेज वेलकम, थैंक यू, नाइस टू मीट यू। गाइस देख सकते हैं क्या ज़बरदस्त स्पीड हमारी ट्रेन की, बहुत ही तेज़ी के साथ 12367 विक्रमशिला एक्सप्रेस निकल रही है। कौन सा स्टेशन है पता भी नहीं चल पाया, इतनी तेज चल रही है ट्रेन हमारी। हमारी 12367 आनंद विहार को जाने वाली भागलपुर से विक्रमशिला एक्सप्रेस प्रयागराज स्किप कर रही है। देखिए यहाँ पर सारी ट्रेनें रुकती हैं लेकिन इस ट्रेन को यहाँ पे नहीं रुका जाता है क्योंकि यहाँ इसका स्टॉपेज ही नहीं है। और यहाँ इलाहाबाद में इस वक्त बारिश बहुत तेज़ हो रही है, रात के बज रहे हैं 11 और हम यहाँ से प्रयागराज स्किप कर रहे हैं। हे गाइस यही है प्रयागराज जंक्शन और हम प्रयागराज जंक्शन क्रॉस कर रहे हैं अपने धीमे धीमे रफ्तार के साथ 12367 विक्रमशिला एक्सप्रेस। और हमारे जस्ट पीछे आ रही है ब्रह्मपुत्र मेल जो अपने टाइम से 3 घंटे 40 मिनट देरी से चल रही है।
वो जस्ट इसके पीछे पीछे अगर आप देख पा रहे हो तो आप, और ये ज़बरदस्त बारिश प्रयागराज जंक्शन। और गाइस देखिए हम प्रयागराज जंक्शन धीरे धीरे स्किप कर रहे हैं। ये रेलवे में, ये इस ट्रेन की खूबसूरती कह लें या रेलवे की खूबसूरती कह लें, जो संपूर्ण क्रांति 12393 और 12367 दोनों को यहाँ पे स्टॉप नहीं किया गया है, तो यहाँ से ये स्किप कर रही है। और गाइस देखिए ये है प्रयागराज का प्लेटफॉर्म का नज़ारा। कोई दरगाह है शायद यहाँ पे, इस प्लेटफॉर्म पे ही ये दरगाह है। 12367 पर भागलपुर आनंद विहार एक्सप्रेस धीरे धीरे प्रयागराज को स्किप कर रही है। और सामने जो ट्रेन आप देख पा रहे हैं वो लगी हुई है बीकानेर प्रयागराज एक्सप्रेस, जो यहीं से बन के चलती है। अब निकल चुकी है प्रयागराज से कानपुर की तरफ, और अब हम 2 बजे अपने टाइम 1:05 पे कानपुर पहुंच जाएंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। तो गाइस अब आपसे मिलते हैं सुबह, क्योंकि रात में अगर कवर हो पाएगा तो कर पाएंगे, वरना आपसे क्षमा चाहते हैं। ये है वॉशरूम का सामने मिरर है, और ये सामने आपको बेसिन है, और इसमें आपको लिक्विड है, और सामने विंडो है, ये एयर फ्रेशनर है। ये सामने एक दे दिया है रखने के लिए हैंगर्स, इसको भी आप रख सकते हैं। और ये टैब है, बढ़िया है, और बाथरूम साफ सुथरा है गाइस। तो यही है एकदम शिला का वॉशरूम, कंडीशन ठीक ठाक है, बढ़िया है, साफ सुथरा है, पानी भी आ रहा है और इसमें लिक्विड भी है। तो थैंक यू। तो गाइस हमारी ट्रेन 30 मिनट लेट चलते हुए कानपुर सेंट्रल पहुंच रही है, और कुछ ही क्षणों में हम लोग कानपुर सेंट्रल में एंट्री करने वाले हैं। 12367 हमारी विक्रमशिला एक्सप्रेस कानपुर सेंट्रल पहुंच रही है। तो देखिए कानपुर सेंट्रल हम लोग पहुंच चुके हैं फाइनली, और रात के बज रहे हैं इस वक्त 1:24। हम निकल चुके हैं कानपुर सेंट्रल से, और इस वक्त टाइम हो रहा है 1:25, और बस निकल ही चुके हैं कानपुर से रात 1:32। तो कानपुर सेंट्रल से हम निकल चुके हैं गाइस, बाय बाय कानपुर सेंट्रल, फिर मिलेंगे कभी। गाइस कानपुर सेंट्रल से हमारी ट्रेन 20-25 मिनट लेट निकल चुकी है, अब आपसे मिलेंगे सुबह अर्ली मॉर्निंग जहाँ भी हम होंगे, सुबह 7 बजे तो पहुँचने का टाइम आनंद विहार, देखते हैं कब पहुँचती है हमारी ट्रेन। तो ये कानपुर सेंट्रल से हम निकल चुके हैं। ओके गाइस बने रहे वीडियो में, और मिलते हैं सुबह आपसे अर्ली मॉर्निंग। Thank you.
उस उत्तम एक्सप्रेस 120 उस उत्तम एक्सप्रेस ने हमें पीछे कर दिया है गाइस। पैरेलल एक्सप्रेस में हम दादरी पहुंच चुके हैं गाइस। बहुत ही तेजी में हमारी ट्रेन चल रही थी और फाइनली हमारी ट्रेन अभी भी एक ट्रेन से आगे चल रही है। पता नहीं कौन ट्रेन थी वो। रफ्तार से हम गाजियाबाद नहीं रुके हैं, शायद यहीं पे ऑर्डर पे गाजियाबाद ऑर्डर पे रोक दिया गया मुझे। ब्रह्मपुत्रा मेल को यहाँ पर आगे निकाल दिया गया है जो कि हमसे बहुत पीछे चल रही थी और गाजियाबाद से ठीक पहले ब्रह्मपुत्रा मेल नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस को हमसे आगे निकाल दिया गया। गाइस देखिए हमारी ट्रेन का पैरेलल चल रहा है 12506 से। ये है सामने कामाख्या एक्सप्रेस नॉर्थ ईस्ट, ये भी आनंद विहार को जा रही है। हमारी ट्रेन भी आनंद विहार को ही जा रही है। देखते हैं कितना देर तक पायलट चलता है। गाजियाबाद इन कर रहे हैं और कामाख्या का यहाँ पर स्टॉप है गाजियाबाद में और हमारी ट्रेन 12367 का स्टॉप नहीं है, इस वजह से हम आगे निकल जाएंगे यहाँ। गाइस बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये पैरेलल एक्सप्रेस। फाइनली गाइज हम पहुंच चुके हैं आनंद विहार अपने टाइम से 7:20 पे और बिल्कुल राइट टाइम पहुंची है हमारी ट्रेन 12367 से। और सामने भीड़ देख सकते हैं कितनी है, ट्रेन पकड़ने के लिए भीड़ लगी हुई है। वो तो पहुंच चुके हैं आनंद विहार जंक्शन पे अपने टाइम से बिल्कुल, और सामने लगाई जा रही है आनंद विहार जोगबनी एक्सप्रेस को, उसी की भीड़ लग रही है। तो हमारी ट्रेन 12367 विक्रमशिला एक्सप्रेस बिल्कुल टाइम से पहुंची है आनंद विहार और हम लोग अब जा रहे हैं, बाहर निकलेंगे और यहां से मेट्रो लेके अपने अपने घर को जाएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बताइएगा वीडियो लगा कैसा और चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। गाइज हम लोग बाहर निकल चुके हैं और
बाहर निकलने के बाद अब जा रहे हैं हम लोग मेट्रो पकड़ने के लिए। आनंद विहार का एग्जिट है और यही सामने मेट्रो स्टेशन है, ये आनंद विहार जंक्शन है। आप यहाँ से अगर मेट्रो से जाना चाहें तो मेट्रो से जा सकते हैं, और अगर उबर करना चाहते हैं या ओला करना चाहते हैं तो ओला भी कर सकते हैं।